सामने मैं ही हूँ, बहुत बड़ा सा मिरर भी है। हेलो हेलो, एक्चुअली मैं इस ब्लॉग में बहुत कम दिख रही हूँ और तो अच्छा है ना मिरर लगाया है। बाइक भी रॉयल एनफील्ड, अच्छा दोबारा बोलते हैं, अच्छा तो टीचर भी रॉयल एनफील्ड किया और बाइक भी रॉयल एनफील्ड किया। अच्छा तुम्हारी बाइक ने आज कैसा दिया, वो क्या बोलते हैं इसको, एवरेज? बहुत ही गर्मी आ रहा है, आप देख ही रहे, इतना पसीना आ रहा है क्योंकि मुंबई में दोबारा से धूप शुरू हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम हैं नेहरुल वाटरवेज पर, जो है सीबीडी वेलापुर में। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम दोनों बिल्कुल रेडी हैं अपनी बाइक नंबर 3 के लिए। यस, हमारी आज मिटेयर के साथ नंबर 3 बाइक राइड है, मतलब मिटेयर के साथ सेकंड है, क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली बाइक थी इंटरसेप्टर, उसके साथ हमारी फर्स्ट राइड थी। तो आज हमारी जो बाइक राइड है वो नंबर 3 है और हम जा रहे हैं पेंट्री रेस्टोरेंट, जो नवी मुंबई से 1 घंटे की दूरी पर है। कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे बाइकर्स जाते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर है, ग्रीनरी बहुत है और रेस्टोरेंट का खाना तो अच्छा है ही, बट वहां का वॉशरूम बहुत अच्छा है। तो वॉशरूम देखना तो बनता ही है क्योंकि रेस्टोरेंट में वॉशरूम बिल्कुल क्लीन होते नहीं है और वो बोल रहे हैं बहुत ही ग्रीनरी है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। यहाँ पर हम आए थे सनराइज देखने के लिए, हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाएं क्योंकि रास्ते में पड़ता है। तो और साथ में ये है वाटरवेज, इसको बैक वाटर भी बोलते हैं क्योंकि सी नवी मुंबई में भी आता है बट इसका बैक वाटर आता है। तो चलिए चलते हैं, अपनी बाइक राइड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ पैंट्री, चलो भाई। और यहाँ पर मैंने पंकज को बोला चलो और वो मुझे लिए बिना ही चल पड़े, मैं पीछे वीडियो बना रही थी और वो मुझे लिए बिना ही चल पड़े, पर बाद में वापस आए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा माइक यूज करें, हम 2-3 माइक लाए हैं बट आवाज तो आ ही रही है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप नवी मुंबई से आ रहे हैं सीबीडी बेलापुर होते हुए पनवेल साइड जाना है और यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर ही रह गया है, हमें लेना होगा NH66 जहाँ से पेंट्री एस्ट्रो आएगा। तो चलिए चलते हैं, नज़ारों के मजे लीजिए और आवाज़ तो थोड़ा ऐसा आप अवॉइड कीजिएगा, पीछे भी देख लीजिए, सैटरडे है तो इतना रश है नहीं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रश मिलता है और ये रोड तो वैसे बहुत अच्छी है ये जाने वाली। तो चलिए हम हो गए रेडी, हाथ में ले लिया हेलमेट, बहुत गर्मी लग रही थी, पंखा भी आ गया अंदर, इस साइड बैठने दो। हाँ, रेस्टोरेंट किस साइड है? तो चलिए आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं पहले। तो चले भी गए, ये देखो वो तो गई थी रेडी स्टार्टअप से, सिनेमैटिक शॉट्स बना लिए जाए। एंटर करते हैं, ये देखिए कितना सुंदर है देखने में, सारा ग्रीन ग्रीन है, तभी इसका नाम है पैंट्री और गो ग्रीन भी बाहर लिखा है इनका नेम। कोई ग्रुप भी आए हुए हैं, पंकज कहाँ चले गए?
पंकज को ढूंढती हूँ। बहुत सुंदर है, ग्रीन ग्रीन पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है, शिवजी महाराज का मंदिर है। जय शिवजी भोले, जय भोले महाराज, जय शिवजी महाराज। ओ वाह, ये क्या गमले हैं क्या इतने बड़े बड़े? ओ भैया, गमले देख सकते हैं आप इतने बड़े बड़े। और ये क्या, अलग अलग से प्लांट्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं। तो चारों तरफ ही ग्रीनरी ग्रीनरी है। और यहाँ पर है बॉन्साई, ये है ग्मेलिना फिलिपेंसिस, ग्लेमिना फिलिपेंसिस। 15,000, अब पता नहीं 15,000 हाँ रुपीज है भाई, यहाँ पर सेल भी होता है। और ये ग्राम पेट स्थानिक विकास उपक्रम, बहुत ही सुंदर है। आपको मैं नज़ारा दिखा देती हूँ चारों तरफ का। सुंदर सुंदर ट्रीज हैं भाई, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और पंकज कहाँ है? ढूंढ ढूंढ के थक गई है, पेंट्री तो आ गई है, शायद यहीं पर होंगे। मेरी पेंट्री, ये जाने का रास्ता। पंकज मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, सारे फोन्स मुझे देख बोरे सामने। और ये बैटरी आपको भी दिखाते हैं, ये देखो यार, कहाँ घूम रहे हो? मैं सारे फोन से फोन कर रही हूँ। चलो चलो चलो, आओ अंदर आओ। बाहर भी अरेंजमेंट है, अगर आपको बाहर बैठना है तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं। बहुत कहाँ बैठे हैं पंकज? चलो आपको जटाओं में से लेके चलती हूँ, मनी प्लांट्स में से। ये रहे पंकज, बहुत ही सुंदर जगह पर बैठे हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको ये? लाए तो पंकज ही हैं पर मैं ऐसे पूछ रही हूँ। चलो क्या, मैं तो चाय पीऊंगी तुम। देखा कितने सुंदर सुंदर हैं यहाँ पर। और ये देखो फैन में एक लाइट्स लगाई हुई है। तो ओवरऑल बहुत ही सुंदर है, ग्रीनरी से भरा हुआ है। यहाँ आना वर्थ है, यहाँ आने का आपका बहुत फायदा। बच्चों को लेकर आइए जब आपको लगे कि आपको सांस की जरूरत है, पॉल्यूशन भरी जगहों से बचने के लिए अगर आपको आना है। बहुत ही गर्मी आना, आप देख रहे हैं इतना पसीना आ रहा है क्योंकि मुंबई में दोबारा से धूप शुरू हो गई है। थोड़ा पानी पीना बहुत जरूरी है, आपको पता ही है कि 3.5 लीटर पानी पीना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और मैं तो नॉर्मल ही हूँ, पानी पी लेता हूँ। सबसे पहले पंकज ने छाछ ऑर्डर कर दी जबकि मुझे चाय पीनी थी, हाँ बट बिना चीनी की, क्योंकि मेरे कोच भी मेरा ब्लॉग देखते हैं और मैं छुपके तो नहीं पीती, पर मैं चीनी नहीं पीती। और ये छाछ मंगा ली तो छाछ पीती हूँ, चाय लूंगी थोड़ी देर में। चाय तो बनती ही है, एक तो पीती हूँ मैं। हो थक गए क्या? थके नहीं, वो रास्ता थोड़ा सा मुझे लगता है या तो हम गलत चले गए थे या पता नहीं क्या। वो पीछे से देखो पानी भर के ले जा रहे हैं, इसे गांव में लेके जाते हैं। टोकनी, हमारे यहाँ तो टोकनी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कमेंट्स बता दीजिएगा प्लीज। और बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक भी चल रहा है, बहुत ही मजे आ रहे हैं बैठ के। पर म्यूजिक में ज्यादा डालूंगी नहीं इसके अंदर क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो चलो जी, पहले पी लेते हैं छाछ, अच्छी है वैसे। बट ये टाइम मेरा छाछ का नहीं, छाछ का टाइम होता है 11 बजे, पर कहने जल्दी मंगा ली क्योंकि चाय नहीं मिले ना, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी नहीं रहे हैं।
विंटर वाली है, विंटर इसमें। और पंकज जी कौन सी टीशर्ट पहनी, क्या लिखा है इसके ऊपर? एयर एयरबॉर्न, 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 रॉयल एनफील्ड की है। ओह रॉयल एनफील्ड की है बाइक, तुमने रॉयल एनफील्ड की नहीं ली? बाइक भी रॉयल एनफील्ड। अच्छा दोबारा बोलती हूँ, अच्छा तो टी शर्ट भी रॉयल एनफील्ड की है और बाइक भी रॉयल एनफील्ड की है। अच्छा तुम्हारी बाइक ने आज कैसा दिया, वो क्या बोलते हैं यार, वो एवरेज, आज तुम्हारी बाइक ने कैसी एवरेज दी है? 25, 28 के आसपास। वही है ना, क्रूजर है ना, क्रूजर मतलब अच्छी रोड्स भी होनी चाहिए ना उसके लिए, नहीं? अच्छी रोड होनी चाहिए, थोड़ी तेज बोलो। पहले ये बॉडी टाइप वो ठीक थी यार, माउंटेन्स के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए वो ठीक है, ऑफ रोडिंग के लिए वो भी ठीक है, ऑफ रोडिंग के लिए हिमालयन ठीक है, या फिर एडवेंचर बाइक ठीक है, BMW। पर थोड़ी हैवी है ना, इसकी वजह से मैं चला तो लेती हूँ, बट हैवी होने की वजह से डर लगता है क्योंकि बहुत है। अरे बाप रे, 248 kg, 248 kg को और उठा के चलेगा? तुमने पी भी ली? मैंने पी भी नहीं। चलो मैं फटाफट से अपनी छाछ पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चलो जी हमने चाय वगैरह पी, अब आपको दिखाते हैं यहाँ का मेन अट्रैक्शन, यहाँ का वॉशरूम जो मैंने सुना है, तो चलो आपको वॉशरूम दिखाते हैं। इधर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छा वाटरफॉल टाइप बनाया है। ओ वाटरफॉल कितने का? 59,000 का है भाई ये वाटरफॉल। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये लुक दिखाती हूँ, ये यहाँ का लुक है, और साइड में वाटरफॉल है, और यहाँ से चलते हैं अंदर। बहुत ही सुंदर है, साथ में बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, ऊपर बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं, और यहाँ पर सुंदर से बेसिन बने हुए हैं हैंड वॉश के लिए। चलिए वॉशरूम की साइड चलते हैं। यहाँ ऐसे वॉल हैंगिंग भी लगाई हुई है, इन्होंने बहुत सुंदर डेकोरेशन की है। यहाँ ऊपर स्टेयर्स जाती है, मे बी रूम होंगे। ये रहा लेडीज महिला साथी, जो हमारे मुंबई वाले हैं, महाराष्ट्र में, वो तो जान जाएंगे महिला साथी मतलब लेडीज के लिए फक्ता फक्ता महिला साथी। और ये देखिए ऊपर कितना सुंदर है, मैं तो ऐसे दिखा रही हूँ पतन के ताजमहल दिखा रही हूँ। ओ वाव, अंदर भी एक इन्होंने बहुत सुंदर सा, वैसे मुझे वॉशरूम जाना नहीं है बट मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। ये रहा गेट, तो एंट्री पर ही बहुत सुंदर से पीकॉक की एक बहुत सुंदर सा स्टैचू टाइप लगाया हुआ है, और ये ऊपर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इन्होंने सब लगाया है। और ओ सामने मैं ही हूँ, बहुत बड़ा सा मिरर भी है, हेलो। और एक और मिरर है, बहुत ही सुंदर एक और मिरर है, हेलो हेलो। एक्चुअली मैं इस ब्लॉग में बहुत कम दिख रही हूँ, और तो अच्छा है ना मिरर लगाया है। ये देखिए, तो मैं आपको यहाँ का लुक देती हूँ। और यहाँ पर भी बेसन है, नीचे भी प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, और ये देखिए कितने सुंदर प्लांट्स हैं। ये टॉयलेट है क्या? ओ वाओ, टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट एरिया नहीं है ये आई थिंक जो बच्चों के लिए रहता है ना, जिसके किसको डायपर चेंज करने हो, तो ये उसके लिए एरिया बनाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगे, उनको लेटा सकते हैं यहाँ पर, वो ऊपर प्लांट दिखते रहेंगे और मम्मा उनका डायपर चेंज कर देगी, या मे बी वेटिंग एरिया हो सकता है। बहुत ही सुंदर है, ऊपर फैंस भी हैं भाई, और ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं। कभी किसी ने वॉशरूम का ऐसा ब्लॉग भी बनाया होगा, इतना खूबसूरत है तो वो दिखाना तो बनता ही है। ये देखिए, और ये सारे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं, 3-4 वॉशरूम है, बहुत ही क्लीन है। और ये यहाँ पर एम्पावरिंग वुमन करके, ओके ये पैड्स मशीन है, ये देखो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कहीं पर पैड मशीन भी है। इंडो जो इनका है, ये इंडोमेट करके है, एम्पावरिंग वुमन करके जो इसका ब्रांड है। सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन है, वाओ ये गुड है यार।
आप यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कॉइन ही चलते हैं, आपको बाहर से अपना जितने का भी होगा वो कॉइन यहाँ डाल सकते हैं, 1 और 2, 3 रुपीज का। ओके सॉरी, ये 5 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज का पर एक, आपको पर 5 रुपीज का एक पैड मिलेगा यहाँ पर। ये चीज अच्छी है, हर जगह बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। पंकज बार वेट कर रहे होंगे, मैं यहाँ वॉशरूम का पूरा का पूरा, ये देखिए वॉशरूम बहुत क्लीन है और वॉशरूम के अंदर भी प्लांट्स लगे हुए हैं ताकि आप अगर वॉशरूम जाएं तो आपको ऐसा लगे कि आप जंगल में वॉशरूम गई हुई है। वाओ, तो बहुत सुंदर बनाया है और बहुत ही क्लीन है। तो जो मैंने सुना था कि आप होटल में आए ना आए बट यहाँ के वॉशरूम में आए, तो ये बहुत बहुत ही सही बात है, बहुत ट्रू है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वॉशरूम, और सबसे अच्छी चीज लगी कि वहां पर पैड मशीन भी लगाई हुई है यहाँ पर, वही मिरर। तो चलिए चलते हैं बाय, क्योंकि पंकज बाहर वेट कर रहे होंगे, तो चलो चलते हैं। वो रे, उन्होंने बिल दे दिया। और यहाँ पर आपके लिए ये भी रखे हैं अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश होती रहती है बहुत ज्यादा। ये बजा देते हैं बेल, ब्रास। अच्छा, ओ भाई, ये तो मुझे लगा कि कहीं मैकडॉनल्ड में ना बेल लगी होती है कि आपको अगर अच्छा लगा है फूड तो आप वो कर सकते हैं। डोमिनोज में होती है बेल, आप बेल कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो। तो चलिए थोड़ी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। रीड भी होगी, बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ पर। अब हम चल रहे हैं वापस, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थोड़ी बहुत फोटोज और इंस्टा रील्स ही बना लेते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पर आने का बाद में कहाँ ही मौका मिलता है। ये देख लीजिए, हमने ज्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि हम सिर्फ देखने आए थे, सुना था पर बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा है एक्चुअली, है ना, वो भी है पूरी नर्सरी भी है और हर जगह प्लांट्स हैं, उनके प्राइस टैग के साथ है बिल्कुल। पंकज कैसा लगा? ये देखो ऊपर से कैसा है, बहुत सुंदर है, बच्चों को लेके आने के लिए बहुत सुंदर है। तो चलो चलते हैं, अपनी बाइक राइड स्टार्ट करते हैं वापस घर की साइड। और अगर आपको आना है तो ये, अगर आपको भी आना है यहाँ पर तो ये नवी मुंबई से, मैं अपने घर से बता रही हूँ, नवी मुंबई से आपको पड़ेगा। कितना देर लगा पंकज हमें? 47 किलोमीटर है और 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटा पड़ गया क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं था ना लोकेशन, फर्स्ट टाइम आए थे। तो अगर आपको आना है तो 1 घंटे की राइड है, कोई बुरी नहीं है, मुंबई से आप लगा सकते हैं, नवी मुंबई से 1 घंटा है। और ये पड़ता है नेशनल हाईवे गोवा रोड NH66। ओ वाओ, ये जो प्लांट है ये 2500 का है भाई। तो चलिए चलते हैं और घर जाके आपसे मिलते हैं। कितने टाइम होगा, वो रहा सामने प्योर वेज है। हाँ, नॉन वेज वाले नहीं आ सकते यहाँ पे, नॉन वेजिटेरियन। ओके जी, बाय बाय। ये देखो छोटा सा तालाब टाइप भी बनाया हुआ इन्होंने। चलो भाई ब्रिज पे चल के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज होती जा रही है। बैठते हैं और फिर चलते हैं। मेंढक भी है भाई, ब्लैक कलर का मेंढक कहाँ गया? वो रहा, आपको दिख रहा है? मरा तो नहीं हुआ? नहीं मरा नहीं हुआ। चलो बैठ के मैं थोड़ा सा फोन करना है, उसके बाद चलती हूँ।